कोशिश करेंगे, शूटर वो भी इंतजार कर रहा है इसकी बात के, वो भी उस चीज का इंतजार कर रहे हैं, बट इन सब चीज के बीच में एक कोई प्लेयर है जो घात लगा के अभी भी बैठा रहेगा। मिस स्प्रे देखना ये कि ये वाला ग्रेड अगर कनेक्ट हो गया है कि क्या वो थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर थ्रो किया तीनों प्लेयर एक साथ खत्म और तीन एक्स्ट्रा फिनिशर्स निकालेंगे, बट नहीं, गलत दिशा में वो जो ग्रेनेड था वो जाता हुआ। बिल्कुल वहां पे शूटर के ऊपर कनेक्शन आया जरूर से, बहुत ही ज्यादा लो ऑन एचपी हमें शूटर अभी के लिए देखने को मिल रहे हैं, और M249 आपके पास मौजूद हो वो भी 150 बुलेट्स के साथ, मेरे ख्याल से कोई भी चीज इनको रोक नहीं सकती। बट अगेन अगर ये जो इनकी आवाज है यहां से अपनी पोजिशन चेंज करने की वो जाती है टीएच के पास, तो वो जरूर से चौकन्ने हो सकते हैं। अभी के लिए टीएच का पूरा जो ध्यान है वो आगे की तरफ मौजूद है, जहां पे टीम INR हमें देखने को मिलती हुई, एक 1v2v3 का ये बैटल हमें देखने को मिलता हुआ। चिकन डिनर अगर आप निकालते हैं तो जो इंपॉर्टेंट पोजिशन पॉइंट्स हैं और साथ ही वो जो फिनिशर है वो आप अपने पास में लेकर के जाएंगे। वहीं शूटर की बात करें, हील करेंगे, वहीं अगर हम बात करें आइस की, वो थोड़ा आगे की तरफ गए जरूर से हैं, अभी भी मिस्टर स्प्रे अपनी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करेंगे। चलिए फाइनली आइस जो ऊपर से आएंगे जरूर से, एक खिलाड़ी को नॉक उन्होंने किया स्प्रे के लिए, बिल्कुल ओपन वो रहने वाले, लेकिन फिनिश ऑफ किए जाएंगे। एक 1v2 का बैटल है कन्वर्ट हो चुका है, मिस्टर स्प्रे उन्होंने पढ़ा जरूर होगा फिनिश फीट को, क्या वो आगे जाएंगे, ये मोलोटोव, लेट्स सी कि वो कनेक्शन बना सकते हैं। M249 उनके पास रहने वाली है, धीरे धीरे हौले हौले आगे जा जरूर से, स्पॉट करेंगे प्लेयर्स को, एक को डाउन किया, क्या वो दूसरे को डाउन करेंगे, दो को डाउन किया, आपने मिस